आज मैं आपको बिहार की बहुत फेमस रेसिपी बताने वाली हूँ। उसका नाम है लिट्टी चोखा। ये बहुत ही पॉपुलर है बिहार में। तो सबसे पहले आज मैं आपको लिट्टी चोखे में ये बताऊंगी कि किस तरीके से चोखा बनाया जाता है बैगन से। चोखा बनाने के लिए मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वहाँ पर सरसों के तेल का ही इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब बना लेते हैं चोखा। चोखा बनाने के लिए मैंने लिया है ये बैगन, और ये मैंने लिए हैं उबले हुए टमाटर और उबले हुए आलू। मैंने क्या किया है कि बैगन मैंने इसको उबाला नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही लिया है, और इसमें मैंने कुछ छेद करके ये गार्लिक के क्लोव्स इस तरीके से छेद करके गार्लिक यहाँ पर लगा दिए हैं। इसको मैं आग पर भूनूंगी, और आलू और टमाटर को मैंने कुकर में दो विसल लेके बॉईल कर लिया है। टमाटर को बॉईल करने के बाद मैंने उसके ऊपर की स्किन हटा दी है, तो ये इस प्रकार का हो गया है। ये इससे हम बनाएंगे चोखा। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये हमारे तैयार हैं और इसको हमें आग पर भूनना होगा। ये ऐसा मैंने इसलिए किया है यहाँ पर क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बिहार की बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल चोखा। पूरे बिहार में जो पुराने लोग बनाते हैं वो सिर्फ बैगन का ही चोखा होता है, और उसके लिए उसमें एक अच्छा स्वाद आने के लिए ये उनकी एक सबसे ट्रेडिशनल टेक्निक होती है कि वो इस तरीके से बैगन में होल करके और क्लोव्स, गार्लिक क्लोव्स को यानी लहसुन की कलियों को इस तरीके से इसमें फिट कर देते हैं और तब इसको गैस पर भूनते हैं। ये देखिए बैगन को मैंने रोस्ट कर लिया है, और इसको मैंने इस तरीके से जो मैंने ये क्लोव्स फिट किए थे ये भी देखिए अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब दोनों का ही जूस जब मिक्स हो जाएगा तो उस पर बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये ऊपर का जो छिलका है यानी इसकी जो ऊपर की ये स्किन है इस तरीके से हम पूरी साफ कर लेंगे, इसको हटा लेंगे, और उसके बाद फिर हम चोखा बनाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा रोस्ट हो गया है इसका। मैंने ये पूरी ऊपर से स्किन हटा दी है और अब ये इस तरीके का दिख रहा है। आलू भी मैंने हल्के से मैश कर लिए हैं, और ये हैं टमाटो जो हमने कुकर में बॉईल कर लिए थे। अब इन सबको मैं अच्छी तरीके से इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। ये इसको मैंने इस तरीके से पूरा मैश कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, हरी मिर्च बारीक कटे हुए, अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, और सबसे ज़रूरी चीज़ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल इसे इसमें बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये कच्चा मस्टर्ड ऑयल है, इसी से इसके अंदर स्वाद डेवलप होता है। ये देखिए ये अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चोखा बिल्कुल तैयार है, बस अब इसके ऊपर से हमें हरे धनिए से गार्निशिंग करनी है। चोखा बिल्कुल तैयार है, और अब प्रिपरेशन कर लेते हैं लिट्टी के स्टफिंग की। लिट्टी की फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने लिया है सत्तू। सत्तू भुने चने का पाउडर होता है। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि इस तरीके का चना जो भुना हुआ आता है उसको आप मिक्सी में पीस लें, और उसका भी आप पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी बारीक कटी प्याज, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच नींबू का रस, अदरक, हरी मिर्च एक एक बारीक कटे हुए, ये मैंने लिया है आम के अचार का थोड़ा सा मसाला, और ये है अजवाइन एक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली, और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक। चने की दाल का सत्तू, तो इसमें हमें क्या करना है कि सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई थी इसको हम इसमें एक एक करके डालेंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन कैरम सीड, अदरक, हरी मिर्च बारीक कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नींबू का रस, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप कोई और ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया है आम के अचार का मसाला, आप चाहें तो लाल मिर्च के अचार का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको हम पूरा मिला लेंगे,
और हमें ये गीला नहीं करना है, ये सूखा ही भरा जाता है। तो जब ये अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, अगर आपको ये ज्यादा ड्राई लगे तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब ये इस तरीके का हो गया है। हमें इससे ज्यादा गीला इसको नहीं करना है वरना फिलिंग में प्रॉब्लम होगी। तो ये अब तैयार है। अब हम देख लेते हैं अब लिट्टी के लिए हमें आटा किस तरीके से गूंथना है। लिट्टी बनाने के लिए ये मैंने लिया है होल व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, और ये लगभग मैंने 500 ग्राम लिया है। लगभग 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 4 टेबल स्पून ऑयल, नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबल स्पून अजवाइन। थोड़ा इसमें हम डालेंगे नमक, अजवाइन, कैरम सीड्स। अब इसमें मैं डालूंगी पिंच ऑफ सोडा जिससे कि अच्छी तरीके से फूल जाए। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी डालने से इसमें सॉफ्टनेस आएगी और ये बहुत ही खस्ता और अच्छी बनेगी। अब इस सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें पानी डाल करके इसको गूंथ लेती हूँ और ये इस तरह से हमें गूंथना है कि ना ये ज्यादा कड़ा हो और ना ज्यादा मुलायम। ये देखिए आटा ये मैंने बिल्कुल मल लिया है अच्छी तरीके से। देखिए बिल्कुल इसको मैंने मीडियम स्टिफ रखा है और अब इसको सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और देखिए आटा बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरीके से थोड़ा सा हम जैसे हम पराठा या रोटी के लिए लोई लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें लेनी है। जैसे जब ये बाउल की शेप की हो जाएगी तो इसमें हम अच्छी तरीके से स्टफिंग को फिल करेंगे। ये मैंने सत्तू की स्टफिंग ली है और इसको चम्मच से दबा कर अच्छी तरीके से हमें फिल करना है जिससे कि ये मैंने सारी लिट्टियां तैयार कर ली हैं। इस तरीके से मैंने इनको गोल बनाया है, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अब मैं क्या करूंगी इसको आपको मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आपके पास ओवन या ओटीजी है, एक तो वो तरीका कि ओटीजी में आप इसे कैसे बना सकते हैं, दूसरा जिसके पास ओटीजी या ओवन नहीं है वो इसको फ्राई करके कैसे बना सकता है, क्योंकि फ्राइंग लिट्टी भी बहुत खस्ता और बहुत टेस्टी बनती है। तो देख लेते हैं पहले ओटीजी का तरीका। ये मैंने ली है ओटीजी की ट्रे और इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ इस तरीके से। और अब मैं इस पर रखूंगी ये लिट्टियां जो मैंने प्रिपेयर की थी, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हम रखेंगे। इसके ऊपर भी मैं हल्का सा ग्रीस कर देती हूँ। मैंने ओटीजी को प्री हीट कर लिया है लगभग 10 मिनट और अब मैं इस ट्रे को इसके अंदर रख देती हूँ ग्रिल होने के लिए। इसको मैंने 10 मिनट के लिए हीट होने रख दिया है तो पहले मैं एक साइड 10 मिनट के लिए सेकूंगी। एक साइड से ये अच्छी तरीके से सिक गई हैं, लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको दूसरी साइड से टर्न कर देती हूँ जिससे कि ये अच्छी तरीके से दूसरी साइड से भी सिक जाए और इसको मैं वापस से ग्रीस कर देती हूँ। देखिए मैंने घी इस पर लगा दिया है। अब हम दूसरी साइड से भी लगभग 10 मिनट के लिए इसको ग्रिल कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी लिट्टी को जैसे जो मैंने बनाई थी इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं देते हैं, लेकिन हमें फ्लेम यहाँ पर आप थोड़ी मीडियम रखनी होगी जिससे कि लिट्टी अंदर से अच्छी तरीके से सिक जाए। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। अब ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो रहा है, देखिए ये बिल्कुल सिक चुकी हैं, कितनी बढ़िया ये फ्राई हुई हैं, देखने से ही पता चल रहा है एकदम खस्ता। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए ओटीजी में जो मैंने लिट्टियां रखी थी वो भी कितनी बढ़िया तरीके से देखिए सब तरफ से सिक गई हैं और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बिल्कुल आपको वही लगेंगे जो बिहार में ट्रेडिशनली खाई जाती है। ये दोनों तरीके की लिट्टी बिल्कुल बन करके तैयार है। मैंने ग्रिल की थी उसके ऊपर मैं ये लगा देती हूँ थोड़ा सा घी। इसका स्वाद घी से ही है, ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही हैं। इसको इस तरीके से मैंने घी लगा दिया है। ये बिल्कुल जो बिहार में ट्रेडिशनल लिट्टी बनती है ये बिल्कुल वो बनी है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देखिए ये लिट्टियां ट्रेडिशनल ऑथेंटिक बिहार की लिट्टियां बनकर के बिल्कुल तैयार हैं और ये देखिए ये कितनी बढ़िया सिकी हुई हैं। ये भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, इनको आप आसानी से घर में फ्राई करके बना सकते हैं। तो जो अब आपका दिल करे आप चाहे फ्राई कीजिए, चाहे आप ओवन में इसको ग्रिल कीजिए, आप इजीली घर में बना सकते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से सिक गई है और आप देख सकते हैं
इसको इस तरीके से, आप चाहें तो इसमें अंदर भी घी डाल सकते हैं और ये बहुत बढ़िया तैयार है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी और एकदम बढ़िया लिट्टियाँ, जिसको कि आप बाटी भी बोलते हैं राजस्थान में, बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी तरीके की अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे साथ मेरे वीडियोस को देखते रहें। सो प्लीज क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन एंड शेयर द वीडियोस, वॉच द वीडियोस, कीप वॉचिंग, एंजॉय स्मार्ट कुकिंग विद कुक विद कॉर्नर।